देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजंस वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देश की रक्षा करने वाले हाथों ने आतंकवाद का दामन थाम लिया। कल तक जो शपथ खाता था मातृभूमि की रक्षा की, आज उसी ने उसको खत्म करने का रास्ता चुन लिया। जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह को हाल ही में पुलिस ने आतंकवादियों के साथ मिले होने के शक को लेकर गिरफ्तार कर लिया है और हाल ही में इस मामले को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकवादी नवीद को लेकर कई बातें सामने आई है, जिसमें पता चला है कि नवीद का भाई चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था और उसके माँ बाप दिल्ली में रहते थे और नवीद की इच्छा थी कि वह अपने माता पिता से मिले, जिसके चलते उसने जम्मू कश्मीर में अपने माता पिता के साथ भी काफी वक्त गुजारा था। वहीं इस दौरान डीएसपी देवेंद्र सिंह ने उसकी मदद की थी। साथ ही साथ आतंकवादी नवीद ने कश्मीरी आतंकवादियों के फंडिंग के बारे में भी कई अहम खुलासे किए हैं, जैसे कि यहाँ पैसा स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया जाता है। वहीं इसी के साथ जांच एजेंसियों ने हथियार सप्लायर और कोरियर के बारे में भी कई अहम बातें बताई। आपको बता दें, सभी के बाद जांच में सामने आया कि देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के साथ मिलकर सिर्फ दिल्ली को दहलाने की साजिश नहीं रच रहा था, बल्कि उसके निशाने पर जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ भी थे। वह इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इसमें कई और आतंकवादियों भी शामिल किया गया था, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही इस वारदात का पर्दाफाश हो गया। आपको बता दें, डीएसपी देवेंद्र सिंह को 25 और 26 अगस्त साल 2017 को आतंकवादियों की ओर से एक फियादिन हमले का सामना करने को लेकर उसमें उनकी भागीदारी के लिए उन्हें पदक दिया गया था और पिछले साल ही देवेंद्र सिंह को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया था। वहीं इसके बाद देवेंद्र सिंह को लेकर हुए बड़े खुलासे के बाद सब चौंक गए हैं। वहीं देश की रक्षा करने वाले हाथ देश को मिटाने वाले हाथों से मिले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे को लेकर अब देवेंद्र सिंह को क्या सजा दी जाती है। स्पेशल डेस्क से सिटीजन्स वॉइस की रिपोर्ट।